हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू WinTrader। आज मैंने एनएसई फ्यूचर का कुछ शेयर्स के साथ आई हूँ, यानी कि एनएसई फ्यूचर में हमारा सॉफ्टवेयर WinTrader, एनएसई में यानी कि इक्विटी में हमारा सॉफ्टवेयर WinTrader कैसे सपोर्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट्स, मारुति, रिलायंस। ओके, तो एक एक करके हम लोग एक एक का परफॉर्मेंस चेक करते हैं और कितना सिग्नल आज जनरेट किया है, यानी कि आज 27 मई है, तो आज कितना सिग्नल जनरेट किया है और कितना सिग्नल रिवर्स हो चुका है, सबका एक एक करके हम लोग परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अभी सबसे पहले हम डॉक्टर रेड्डी का चेक करते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे आप व्यू में से सिंबल्स में जाके देखेंगे तो आपको ऑलरेडी इसमें पूरी मार्केट यानी कि हमारी सॉफ्टवेयर WinTrader फॉरेक्स में भी काम करते हैं, सीएफडी यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकते हैं, और मेटल्स, क्रिप्टो और साथ में एसजीएक्स यानी कि एसजीएस, एनएसई, एफएनडो, स्वॉड, ये सब तीनों एनएसई का है, और एमसीएक्स भी है करेंसी यानी कि एमसीएक्स की करेंसी है यूएसडी, आईएनआर, जीबीपी, आईएनआर या आईएनआर वर्जन, साथ में आपको वीकली और मंथली ऑप्शन एग्री भी है। तो एक साथ आपको पूरी मार्केट मिलते हैं, तो इसमें सब में आपको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो भी वॉल्यूम स्टॉक है यहाँ पे आप मार्केट वॉच में ऐड कीजिए, स्कैनर सेट कीजिए, आइडेंटिकली आपको यहाँ पे देखिए क्रॉस डाउन इन डॉक्टर रेड्डी, यानी कि अभी डॉक्टर रेड्डी में अभी तक सेल सिग्नल था, अभी नीचे जा रहा था, जस्ट नीचे जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो इसके लिए जस्ट मैसेज है किसी को क्योंकि सिग्नल आने के बाद कन्फर्मेशन दे के एंटर करने वालों को पहले नीचे जाने के पहले से ऐसे मैसेज मिलते रहेगा, यानी कि अलर्ट भी मिलेगा, साथ में यहाँ पे आपको जो भी मैसेज यानी कि डाउन जाने लगा है तो ऐसे मैसेज आपको आते भी रहेगा। ओके, तो पहली बार कोई वीडियो देख रहे मैं उनके लिए बताती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट किया है इंट्राडे के हिसाब से यानी कि 5 मिनट्स का। तो ये डे ब्रेक लाइन से मार्केट आज का ओपन हुआ था, इसमें 2 सिग्नल आज मिला है, मॉर्निंग में एक बाई भी मिला है लास्ट में यानी कि 14 यानी कि 2:15 के उसी टाइम में आपको यहाँ पे एक सेल भी मिल चुका है। ओके, दोनों सिग्नल साथ में दोनों सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल्स है, सॉरी, तो ये जब भी आते हैं आपको अलर्ट भी आएगा, यानी कि अभी मैंने जैसे दिखा था ये बेल साउंड के साथ अभी अलर्ट आता है, साथ में पूरी डिटेल्स यानी कि लेटेस्ट सिग्नल जो भी बनते हैं उसका पूरी डिटेल्स आपको ऊपर होगा। यहाँ पे आप देखिए ये लेटेस्ट सिग्नल सेल की सिग्नल है, उसका पूरा डिटेल्स ऊपर लिखा है। अभी यानी 2:15 में ये सिग्नल आए थे, उसके हिसाब से 4349 में अपन ने सेल किया था, सेल एंट्री पॉइंट है, नीचे 3 टारगेट पर लेने के पहले से आपको कंफर्मेशन चेक करना है, जैसे कि अभी मैं से थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कंफर्मेशन आ चुकी थी, उसी टाइम जस्ट कंफर्मेशन हुआ नहीं था पर जस्ट कंफर्मेशन होने वाला था, अभी आराम से इसका पोजीशन ले सकते हो, कंफर्म सिग्नल है। ओके, सिग्नल कंफर्म करके ही लीजिएगा, कंफर्मेशन है तो एक्यूरेसी बनती है, यानी कि कंफर्मेशन है तो 80-90% तक आपका एक्यूरेसी आराम से मिलेगा। यहाँ पे देखिए सिग्नल कन्फर्म था, थोड़ा ऊपर जाकर ओपन हुए थे पर फिर भी कंफर्मेशन यहाँ पे एक कैंडल में कंफर्मेशन हो चुका है। अपन ने वहाँ पे 4333 वहाँ पे लिया है, तो जब भी सॉरी 4382 तक मार्केट गए थे, यानी कि आराम से 50 पॉइंट्स आराम से इसमें हासिल किया है अपन ने। ओके, तो इसमें बाई यहाँ से फिर से आपको ले सकते हैं, यहाँ से हम समझिए मॉर्निंग से आपने लिया नहीं है, थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर से ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से हुए थे, तो 4331 से अपन ने लिया है, तो जब 85 तक मार्केट निकले थे आराम से आपको प्रॉफिट कमा सकते थे। ओके, नेक्स्ट एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स में भी यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट ओपन इस मॉर्निंग में लगभग 9:20 को एक सेल मिले थे और सेल कंफर्म नहीं था, जब आए थे कंफर्म नहीं था, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर चुकी थी, उसी टाइम कंफर्म भी नहीं थी, मार्केट रेड कलर जस्ट पहुँची थी, तो अपन को नीचे वॉल्यूम बार कर यहाँ से सपोर्ट लेवल तोड़ दी थी, ये कैंडल में ही अपन को एक्चुअली कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो उसके हिसाब से आप लेंगे तो ज़्यादा नीचे गई ही नहीं हूँ, तो यहाँ से अपन ने बनाई है, तो लगभग 2802 से लगभग 80 तक गए थे, तो छोटा सा ही प्रॉफिट मिला। अगर वहाँ से अपन ने लिया नहीं है तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गए थे, फिर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हुई थी, ये पोर्शन में 2809 से लेकर लगभग मार्केट 83 तक गए थे, आराम से आपको प्रॉफिट कमा सकते थे लगभग 50 पॉइंट्स का। ओके, तो उसके बाद बाई आए थे, बाई लगभग 1:45 में बाई आए थे, 2809 में अपन एंट्री लिया था, तीनों टारगेट अचीव्ड है ऑलरेडी, ये सेकंड कैंडल में आपको एंट्री ले सकते थे, 2804 में 4 सेल अपन ने लिया है, तो 25 तक निकले थे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से सिग्नल मिले थे, थोड़ा सा नीचे गए थे, उसके बाद तो बाई कंफर्म हो चुकी तो उसी टाइम आपको आराम से एंट्री ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ऑलरेडी तीनों टारगेट अचीव्ड है, पर फिर भी यहाँ से क्रॉस आउट होने के लिए मार्केट थोड़े से ऊपर जाने लगा हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ग्रीन होकर यहाँ से क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा ना, फिर से मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर्स यानी कि ये बार शार्ट में एक्स्ट्रा कलर ब्लू कलर ऑरेंज कलर व्हाइट कलर ये सब एक्स्ट्रा कलर दिख रही हो मार्केट की साइडवेज कहला जाता है, यानी कि मार्केट रिवर्स होने के पहले से आपको साइड वे देगा, यानी कि एक्स्ट्रा कलर देगा तो आपको वहाँ पे से समझ लेना मार्केट शायद रिवर्स होगा। पर उसमें कंफर्मेशन आपको करने के लिए यहाँ से एक लेवल दिया है ऊपर, एक रेसिस्टेंस लेवल, ये लेवल क्रॉस करना है, नहीं ये तो सपोर्ट, ये देखिए ब्लू कलर स्टार सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल क्रॉस करेगा तो मार्केट नीचे चली जाएगी। तो नीचे जब जाएगी तो वहाँ पे आपको समझ लेना मार्केट तो अगर साइड वे देकर ऐसे दिया है तो आपको वहाँ से आपको पोजिशन कट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए तो यहाँ पे मार्केट इतना तक डाउन जाने के बाद यहाँ पे साइड वे देने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यानी कि मार्केट ऊपर जाने लगा हो तो रिवर्स होने के पहले से ऐसा इंडिकेशन मिलेगा। अगर समझ लीजिए यहाँ पे क्यों, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट ही नहीं हुई थी, ऊपर से मार्केट नीचे तक वॉल्यूम बार अपना रेड में ही था। ओके, और नेक्स्ट मारुति, मारुति में आज वन साइड मोमेंट है पर बीच में थोड़ा सा मार्केट साइड भी निकली थी, उसी टाइम एक्सिट भी कर सकते थे। यहाँ पर ओपन हुआ था काफ़ी ऊपर जाकर मार्केट यहाँ से साइड में निकली थी, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी तो यानी कि 7907 से लगभग 54 तक मार्केट निकल गए थे, लगभग 30-40 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया है। अभी भी बाई जोन में ही यहाँ से क्रॉस आउट करेगा ना, फिर से ऊपर जाएगा। ओके, तीनों टारगेट अचीव है। कल की सिग्नल की आज मॉर्निंग में सिग्नल आए थे उसका है, कल भी सेम बाई में था, कल से लेकर अभी तक बाई में ही चल रहा था, यानी कि 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि कल 26 तारीख से 1 बजे एक सिग्नल आए थे, उसी के से लेकर अभी तक 176 पॉइंट्स अभी मार्केट आप निकली है। ओके, तो ये 15 मिनट्स आपको इवन इंट्राडे और पोजीशनिंग में साथ साथ में, यानी कि सिग्नल कंटिन्यूएशन है तो आपको 15 मिनट की चार्ट आपको रख सकते हैं, पर कमोडिटी मार्केट में उसका उल्टा है, कमोडिटी मार्केट में 15 और 5 दोनों इंट्राडे हैं, दोनों इंट्राडे में 15 मिनट्स में। इक्विटी मार्केट में आपको सिग्नल की कंटिन्यूएशन है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट रिलायंस भी चेक करते हैं। रिलायंस में 3 सिग्नल, थोड़ी देर पहले एक सेल भी किया था, 3 सिग्नल टोटली जनरेट हुए थे, इसमें से मॉर्निंग से लगभग 9:30 के एक सेल डिक्टेट किया था, उसके बाद बाई फिर सेल, ये लेटेस्ट सिग्नल सेल की कंटिन्यूएशन यानी कि 14:35 यानी कि 2:35 के बाद यहाँ पे निकले थे और उसमें जस्ट कंफर्म अभी तक हुआ नहीं, सपोर्ट क्रॉस किया है पर 1.6 एक पॉइंट नीचे गिर चुकी है पर अभी भी कंफर्म नहीं है। पर उसके ऊपर जो बाई सिग्नल जनरेट किए थे वो मार्केट ऊपर गए थे, वो तीनों टारगेट अचीव किया था अपन ने, ये सेकंड कैंडल का ओपनिंग रेट को एंट्री लिया था, काफ़ी ऊपर गए थे, ऑलरेडी तीनों टारगेट अचीव्ड है, उसके पहले सेल भी तीनों टारगेट अपन ने अचीव किया था। ओके, तो आज ये टोटल ऐसे 3 सिग्नल ये रिलायंस में आज जनरेट किया है। ओके, तो ये टोटल आज की परफॉर्मेंस मैंने दिखा रहा था, यानी कि आज 27 मई है तो आज की परफॉर्मेंस अभी तक मैं दिखा रहा था। मॉर्निंग से सेल किया था, बाद में बाई आ जाने के पहले से ही यहाँ पे देखिए साइडवे दिया है सॉफ्टवेयर ने, साइडवे में कट कर सकते हो, उसके बाद बाई गई थी, फिर से यहाँ से साइडवे दिया, फिर से मार्केट नीचे, साइडवे निकलता है तो मार्केट समझ लेना रिवर्स होने वाला है। ओके, तो टोटल आज की परफॉर्मेंस दिखा रहा था, इसमें सेल की मैं सेल कितने तक नीचे गए थे मैं बताती हूँ। कन्फर्मेशन के बाद लगभग अपन ने ये कैंडल में एंट्री लिया था 2568 ने, 68 से लगभग मार्केट 2551 तक सेल निकल गए थे, उसके बाद बाई निकले थे, बाई अपन ने दूसरी कैंडल में यानी कि उसी टाइम नीचे भी बाहर आए थे 2574 से अपन ने लिया है, लगभग 90 तक मार्केट निकले, ज़्यादा उसमें ऊपर गई नहीं पर तीनों टारगेट अचीव किया है, कम से कम 15-20 पॉइंट्स के आसपास मिला है और सेल है वो कन्फर्म जस्ट अभी कन्फर्म हो चुका है, नीचे जा रही हूँ, आराम से एंट्री ले सकते हैं। ओके, सेम ऐसे ही लाइव परफॉर्मेंस यहाँ से अपडेट करती हूँ तो यहाँ से डेली का परफॉर्मेंस, हमारे डेली सॉफ्टवेयर ने क्या परफॉर्मेंस दिया है सबका अपडेट्स यहाँ से होता रहता है। आपको किसी को परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो लाइवली आपको मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा नाम सीमा है, सीमा कृष्णा। ओके, 9 to 9 में हमेशा लाइव में रहती हूँ तो आपको संडे सैटरडे इवन है तो भी आपको आराम से कॉल कर सकते हो, यहाँ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, Thanks for watching viewers. Thank you very much.